इंटीजर आंसर टाइप के बाद अब शुरू करते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन जो है, इसमें एक ए वेक्टर गिवन है मेरे को, एक बी वेक्टर गिवन है। ये तो दो वेक्टर मुझे दिए गए कि भैया ये तो दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, सी वेक्टर के लिए बोला गया भाई साहब कोई तो नॉन जीरो वेक्टर। ये लॉजिक देने का ये इसलिए होता है मतलब नॉन जीरो वेक्टर कि शायद अगर इसका मॉडुलस कट रहा हो इक्वलिटी के दोनों साइड से तो आप बिंदास काटिए क्योंकि इट्स अ नॉन जीरो वेक्टर। लॉजिक मतलब ये हो सकता है, आई डोंट नो यूज़ होगा या नहीं होगा। एक कंडीशन दे रखी है जो कि ए बी सी सेटिस्फाई करते हैं, बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, और एक ए डॉट सी जो है वो जीरो, सी अननोन है फिलहाल, है ना, ए डॉट सी जो है वो जीरो है। दूसरा बी डॉट सी की वैल्यू मेरे को पूछी गई है। दीज आर माई ऑप्शंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत जो मैंने करी है वो मैंने इस वाली कंडीशन से करी। क्लासरूम में आपने डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे। ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, कोई इसमें नयापन कुछ नहीं है। b क्रॉस एक साइड लिया है तो c माइनस ए इज इक्वल टू जीरो हो गया। दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है तो थीटा जीरो है, उनके बीच का जो एंगल है वो जीरो है। इसका मतलब दे आर पैरेलल। अगर कोई दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर, यानी कि c वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैन बी सिंपली रिटर्न एज लैम्बडा टाइम्स बी वेक्टर। मजा आ गया भाई साहब, मुझे तो सी वेक्टर की वैल्यू मिल गई, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। इस सी वेक्टर की वैल्यू में कितने अननोन है? एक। ए वेक्टर मेरे को पता है, उसकी जगह रख सकता हूँ, बी वेक्टर में रख सकता हूँ, लेकिन लैम्बडा जब तक मुझे नहीं पता तब तक सी वेक्टर यूनिकली नहीं बताया जा सकता। के लिए एक कंडीशन की आवश्यकता और पड़ेगी, दी हुई है। ठीक है, तो मैंने इसे दोनों साइड ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अगर मैं इसे ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो ए डॉट सी जीरो, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर यानी कि इसके मॉड का स्क्वायर, वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, प्लस लैम्बडा टाइम्स, देखो ध्यान से, ए डॉट बी। ए डॉट बी भी डायरेक्ट लिख देते हैं, ए डॉट बी मतलब दिस डॉट दिस। डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान होता है यार, क्रॉस में थोड़ा टाइम लगता है। वन वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, तो वन प्लस टू प्लस वन विच इज फोर। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गई भाई साहब माइनस थ्री बाय टू। इसका मतलब क्या हुआ भैया? c वेक्टर कैन बी रिटन एज a वेक्टर माइनस थ्री बाय टू बी वेक्टर। करेक्ट है। चलिए, अगर c वेक्टर को ही लिखा जा सकता है, मेरे को b डॉट c की वैल्यू पूछिए। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे a और b की वैल्यू रख दो, c वेक्टर आ जाएगा ना, फिर इसका b के साथ डॉट ले लेना तो b डॉट c मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि मैंने इसी को b वेक्टर के साथ डॉट ले लिया, चूंकि मुझे b डॉट c चाहिए था तो इसी को ले लो। यहाँ बनेगा a डॉट b, a डॉट b की वैल्यू यहाँ देखो फोर आई थी तो यहाँ भी फोर ही आएगी। यार इतनी सी तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। फोर माइनस थ्री बाय टू बी डॉट बी, बी डॉट बी इज मॉड b का स्क्वायर, तो मॉड b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, इसकी मॉड का स्क्वायर, तो इसका मॉड हो जाएगा वन प्लस वन प्लस वन, थ्री, थ्री का रूट, रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री। ये हो गया भैया एट माइनस नाइन यानी कि माइनस हाफ। दिस इज द आंसर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन कैलकाटा जो है दैट विल बी माई आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इट्स बेसिकली अ क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, सॉल्व नहीं करनी। ठीक है, मुझे दिया हुआ है कर्व, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस कर्व वेयर b इज अ पैरामीटर। तो बेसिकली अगर इस कर्व को ध्यान से देखा जाए तो एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बोल लो या फिर पैरामीटर बोल लो, जो कि इसने बोला है वो एक ही है, कौन? b। ठीक है, अगर मैं b को एलिमिनेट कर देता हूँ किसी तरीके से तो आई विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, डोंट वरी। ठीक है, सो नाउ इफ वी हैव वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन माई इक्वेशन ऑफ द कर्व, सो आई विल हैव टू डिफरेंशिएट वंस। मुझे एक बार उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखें तो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे एक बार ही डिफरेंशिएट करना है, बट मैंने दोनों तरीके से आपको लॉजिक समझा दिया। ठीक, अगर मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ डायरेक्टली कर्व को, वॉट आई विल गेट? टू एक्स इज इक्वल टू फोर बी वाई डैश। ठीक है, b की वैल्यू तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट मिल गई, x अपॉन टू वाई डैश। मिल गई, वाई डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में लिख देंगे। इस बी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो व्हाट आई विल गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x अपॉन वाई डैश वाई प्लस एक्स अपॉन 2y डैश। फाइन, ठीक, कोई दिक्कत? ये कटा था x अपॉन 2y डैश, ठीक है, फिर x अपॉन 2y डैश यहाँ रखा तो 4 से कटा, ये आया, ठीक। ये x x कैंसिल है ना, ये 2y डैश उचक के इधर आया, ये 2 कट भी सकता था वैसे, ठीक है, काट के एक स्टेप है ना, वाई डैश एक्स इंटू वाई डैश का होल स्क्वायर, यहाँ से एलसीएम लेके इधर उसका दिया ना, और इस 2 से 2 को काट दिया, देखो 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 2, ये 2 गया इधर, बन गया भाई साहब 2y वाई डैश और x रह गया सिर्फ, ठीक है। वाई डैश की जगह क्या लिखोगे? डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, तो x टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड में सब जगह दिया है, राइट साइड में 2y वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस एक्स के साथ ये रहा। सो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, सिंपल, क्लियर कट है। एक बार डिफरेंशिएट किया, b को एलिमिनेट करने के लिए b की वैल्यू निकाल के वापस कर्व के अंदर रख दी, आई विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन। यही तरीका होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का, ठीक है। जो भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जितने भी हैं, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितने भी उतनी बार डिफरेंशिएट करके आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो, सिंपल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया, 12th क्लास में जो हम लोग पढ़ते हैं। तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इमेज ऑफ दिस, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए पी पॉइंट मान लेते हैं, है ना। इमेज ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन, भाई साहब कोई तो एक प्लेन है, वैसे तो मिरर इमेज का फॉर्मूला ही बताया जाता है, बट यहाँ तो मिरर इमेज दे दी गई है, तो कोई तो पॉइंट है P जिसकी मिरर इमेज किसी प्लेन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, इसको P डैश मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द प्लेन, तो मुद्दे की बात यह है कि आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अगर प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते तो पॉइंट रख रख के देख लेंगे, जौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वौन सा मेरा आंसर है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ना। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी, मुद्दे की बात ये, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक, उस प्लेन के अंदर भाई साहब मेरे को एक पॉइंट दे दो, ठीक है। दूसरा, उसके नॉर्मल के अलॉन्ग एक वेक्टर दे दो, ऊपर दे दो नीचे दे दो, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक। अगर ये दोनों मिरर इमेज है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यानी कि ये जो क्यू पॉइंट है ये इनका मिड पॉइंट है। तो इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के, इसमें और इस पॉइंट में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के आई कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, क्लियर, ठीक। नॉर्मल का कहाँ से है भाई साहब? डायरेक्शन, तो ये जो पी पी डैश के डी आर है, कोई भी 2 पॉइंट अगर मुझे पता है तो उस लाइन के डी आर निकाले जा सकते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन से निकल जाएंगे, तो मुझे इसके डी आर भी पता पड़ जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो यार? अगर तो मुझे डी आर पता पड़ जाए, अगर तो मुझे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता पड़ जाए, तो आई एम ऑल सेट टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। मैं इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको एक दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एक्चुअल में सुनना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन है, लाइन 2D की बात कर रहा हूँ मैं, एक पॉइंट है P, ठीक है, उसकी मिरर इमेज P डैश के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट दे रखे, 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D के जो 2 के कोऑर्डिनेट 2 के टर्म्स में होंगे, 1,2, ये मान लो 3,-5, सपोज किसी लाइन के अलॉन्ग P के मिरर इमेज के कोऑर्डिनेट ये हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन पूछ ली गई है भाई साहब। सीखने वाली चीज़ ये है कि ये लाइन इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि ये लाइन कैसे बनी, सुनना बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो। ये लाइन एक ऐसे पॉइंट के लोकस से बनी जो कि इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे रहता था। कहीं भी ले लो कोई सा भी पॉइंट, वो हमेशा इससे जितनी डिस्टेंस पे रहेगा उतनी डिस्टेंस पे इससे रहेगा, ठीक है, सही बात है, होता है। तो एक पॉइंट एच कॉमा के लेके इससे डिस्टेंस इक्वल करते ही आपको एच के लोकस मिलेगा और वही इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। समझ गए क्या करने वाला हूं? बिल्कुल सेम इसी का एक्सटेंशन है ये 3D में। ये जो प्लेन है, आप प्लेन बना के देखो कॉपी से, खुद फील करोगे आप। कॉपी से एक प्लेन बनाया, ऊपर एक पॉइंट लिया, उतनी डिस्टेंस पे नीचे एक पॉइंट लो। इस कॉपी के अंदर कहीं पे भी कोई पॉइंट लेके आप यहाँ से यहाँ तक का धागा लेके जाओगे ना, तो नीचे वाला धागा एकदम सेम लेंथ का रहेगा। कहीं पे भी पॉइंट ले लो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंसेज आएगी ये सेम आएगी। तो इस आर पॉइंट को क्यों ना एक्स वाई जेड मान लिया जाए और पी आर इज इक्वल टू पी डैश आर लगा दिया जाए। फिनिश। जो आपको रिश्ता मिलेगा वही आपके प्लेन की इक्वेशन है। एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आने वाली है। ठीक है, तो अगर इसमें बारी बारी से पॉइंट रख के देखते हैं, किस्मत की बात है दिल्ली वाला जो कोऑर्डिनेट है लास्ट वाला वो इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो माई आंसर इज दिल्ली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी जबरदस्त ताबड़तोड़ सिंपल, मतलब बहुत ही आसान। वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ लिमिट। लिमिट तो देखो ये लिमिट टंगा रहता है तो लिमिट तो समझ में आ जाता है, भाई साहब क्वेश्चन लिमिट का। ठीक है, बट दिस क्वेश्चन यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ लीबनीज। लीबनीज जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है कि आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने की बजाय डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर सकते। चूँकि मेरे को लिमिट बोली गई थी, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो, तो अगर मैं एक्स की जगह जीरो रखता हूँ तो यहाँ लिमिट बन जाएगी जीरो से जीरो। अगर किसी भी इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो से जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो, तो न्यूमरेटर अप्रोचेस जीरो। फॉर्मेट चेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर ऑल्सो अप्रोचेस जीरो। सो द फॉर्मेट इज 0/0। आई यूज लॉपिटल। नॉर्मली मैं लॉपिटल लिमिट के लिए यूज नहीं करता हूँ, बट इन वाले जो लीबनीज वाला जो क्वेश्चन हैं उनमें हमें लॉपिटल रूल्स यूज करना होता है। जब मैंने लॉपिटल यूज़ किया, एक बार जब मैंने लॉपिटल यूज़ किया तो डिनोमिनेटर तो हो गया x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। न्यूमरेटर में जब मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा लीबनीज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड एट अपर लिमिट दैट इज x साइन टेन एक्स इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव विच इज़ 1 माइनस वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड एट लोअर लिमिट विच इज़ 0 इंटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन विच इज़ अगेन 0। तो इधर तो आया ही नहीं कुछ। ठीक है, नीचे आ गया 1 तो मैं बहुत खुश हो गया, मैंने x की जगह 0 रख दिया भाई सब बचे हुए के अंदर। ठीक है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी नहीं, आंसर आ गया 0 खट से बस। फिनिश। दिस इज माई आंसर दिल्ली। सिंपल है, क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 11 का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एपी बेस्ड क्वेश्चन है। एपी के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं वैसे भी। फॉर एन एपी, भाई साहब कोई तो एपी है जिसका 10th टर्म और 20th टर्म दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ें जब भी मेरे को दी होती है ना, एक्चुअली एपी बनाने के लिए या जीपी बनाने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो उधर जीपी के लिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस एपी के लिए। तो दो अननोन है, अगर मेरे को कोई दो कंडीशन दे देगा ना एपी के लिए तो मेरी एपी जो होगी वो फिक्स्ड हो जाएगी। दो कंडीशन चाहिए मेरे को एपी डिफाइन करने के लिए, वो इसने दे रखी है बेचारे ने, 10वीं टर्म दे रखी है, 20वीं टर्म दे रखी है। फाइंड एस 200, एस 200 मतलब फर्स्ट 200 टर्म्स का सम बताओ भाई साहब। तो मैंने क्या किया भाई साहब, फर्स्ट टर्म मान ली ए और कॉमन डिफरेंस मान लिया, ये तो हो गई मेरी फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने डी, वही हमारे स्टैंडर्ड। तो 10th टर्म जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस 9d विच इज इक्वल्स टू 1/20। ठीक है, और 20th टर्म जो होगी दैट विल बी ए प्लस 19d एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, दिस माइनस दिस कर दो, उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा भाई साहब 10d बराबर दिस माइनस दिस, है ना, 1/10 माइनस 1/20 दैट इज इक्वल टू 1/20। तो d आ गया मेरा यहाँ से 1/200, d आ गया 1/200, उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पे रख दिया तो a आ जाना चाहिए। तो a प्लस या a इज इक्वल टू 1/20 माइनस 9/200, ये आ गया 1/200, a भी आ गया 1/200, सही है, a आ गया d आ गया। अब S200 फॉर्मूला ही तो लगाना है यार, S200 फर्स्ट 200 टर्म्स का सम दैट विल बी इक्वल्स टू n/2 यानी कि 100 इंटू 2a मतलब दिस 1 अपॉन या 2 अपॉन 100, 2a है ना, प्लस n-1 यानी कि 199 इंटू डी यानी कि दिस अपॉन 200 ऊपर आ गया भाई साहब 201 ये कट अरे लो 201 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। ऑप्शंस पुरानी यादें मिक्स फ्रैक्शन के टर्म्स में दिए मिक्स फ्रैक्शन तो 201 डिवाइडेड बाय 2 तो ये तो 100 टाइम पूरा चला जाएगा 1 के वो जो बचेगा जो भी होता है रिमाइंडर डिवाइड बाय 2 तो दिस विल बी इक्वल टू 100 is to 1 by 2 ऐसे पढ़ते थे ठीक है। दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल प्लेन एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। मतलब इसमें अगर 4 नंबर अपने नहीं आए हैं तो अपने को वास्तविकता गंभीरता से अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये वाले बहुत सिंपल ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था आपको उसमें सॉल्व कराया था मैंने। लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स भाई साहब ए और बी 2 इवेंट्स अच्छा सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 यानी कि एग्जैक्टली एक के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी 2/5। ऐसे में क्या है बना के देख लो एक बार ये 2 इवेंट्स बना लिए ए और बी एग्जैक्टली 1 का मतलब होता है ये वाला रीजन और इस वाले रीजन का सम। भैया या तो सिर्फ ए हो रहा हो बी ना हो रहा हो या फिर सिर्फ बी हो रहा हो लेकिन ए ना हो रहा हो दैट इज एग्जैक्टली 1 तो दिस प्लस दिस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा पी ए ध्यान देना प्लस पी ए प्लस पी बी तो पी ए और पी बी को जोड़ा तो ये वाला जो रीजन है जिसे आप लोग ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जानते हैं ये ट्वाइस टाइम जुड़ता है। क्या मुझे एक भी बार चाहिए नहीं चाहिए 2 बार जुड़ी चीज़ मुझे एक भी बार नहीं चाहिए तो कितनी बार घटानी पड़ेगी 2 बार घटानी पड़ेगी यार ऑब्वियस ही बात है। तो -2 टाइम्स पी ए इंटरसेक्शन बी इसकी वैल्यू गिवन है 2/5। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अब ए यूनियन बी में ये भी आ जाता है ए यूनियन बी मतलब ए या बी में से कम एक हो रहा हो ए या बी में से कम एक हो रहा हो यानी कि या तो ए हो रहा हो या फिर बी हो रहा हो ध्यान सुनो या दोनों हो रहे हों तो दोनों वाला मतलब ये भी आ गया बीच वाला भी तो ये पूरा आ गया है ना। अब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है इसमें भी पी ए जुड़ा पी बी जुड़ा लेकिन 2 बार घटने की बजाय सिर्फ एक बार घटा क्योंकि एक बार तो चाहिए ना रे 2 बार जुड़ी चीज़ एक बार चाहिए तो एक बार घटा दिया इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ भाई साहब 1/2। बहुत ध्यान से जब मैंने इसे देखा मैं तो खुश हो गया। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं 5 की चीज माइनस टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/5 माइनस 1/2 2/5 मतलब हो गया 0.4 और ये हो गया 0.5 है ना तो 0.4 माइनस 0.1 ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.1 विच इज 1/10। सिंपल कैलकुलेशन सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं द आंसर इज आगरा। सही है बिल्कुल हलवा टाइप 4 नंबर श्योर शॉट आने ही चाहिए थे। सही है सो दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्सर्ड बाय इजी वाला सेक्शन बिल्कुल इजी क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।